हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू रोमांस क्लासेस। कैलकुलस की हम 2.4th एक्सरसाइज कर रहे थे, सेकंड चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और उसके मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करवाए थे। आई होप आपने ट्राई किए होंगे। सेवेंथ पार्ट आप कर सकते हैं इजीली। शायद मैंने 5 पार्ट करवाए होंगे आपको। एट्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एट्थ पार्ट, वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स। हम टॉपिक कर रहे थे लैबनीज थ्योरम। लैबनीज थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं? जब दो फंक्शन की मल्टीप्लाई अगर आपको गिवन हो और उसका एनर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और हम एनर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लैबनीज थ्योरम का यूज़ करेंगे, लैबनीज फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई एंड मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स, 2 साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ई रेज टू पावर एक्स बाय 2, डिवीजन वाला 2 हम अलग ले लेते हैं। 2 साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स, कॉस में फॉर्मूला जाता है, कॉस ए माइनस बी मीन्स 2x माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस 2x। ओके, एक्स माइनस टू एक्स कर देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। कॉस में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होकर निकलता है, ठीक है। पॉजिटिव एंगल आता है अगर माइनस एक्स होगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। दिस इक्वल टू 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, सॉल्व करेंगे इसको, एंड कॉस 3x हाफ इंटू ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस 3x, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू आ जाती है। अब ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इसको आप अलग सॉल्व करेंगे और इस फैक्टर को अलग सॉल्व करेंगे। लैबनीज थ्योरम थी वो देखिए आपके पास क्या होती है। u इंटू वी एनर डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड आउट करना है, देन एन सी जीरो यू एन वी एज इट इज, एन सी वन u n माइनस वन द डेरिवेटिव, v का फर्स्ट डेरिवेटिव, एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन, एन सी एन यू एज इट इज वी एन, यानी कि v का एन एन डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। हाफ हम फाइंड आउट कर रहे हैं एन एन डेरिवेटिव, देन एक हम v फंक्शन लेके चलेंगे, एक u फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। एन सी जीरो जो फर्स्ट आपके पास है v, ये हम v ले लेते हैं, ये u ले लेते हैं, u एंड v यानी कि u का एन डेरिवेटिव, e रेज टू पावर x का एन डेरिवेटिव यही रहेगा बिकॉज पावर में x का मल्टीपल 1 है, ठीक है। e रेज टू पावर mx का एन डेरिवेटिव होता है m फैक्टोरियल e रेज टू पावर mx, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हमें चेक करनी होती है, तो पावर यहाँ पे देखिए एक्स का मल्टीपल देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 रेज टू पावर एन जो हो एन ही रहे, 1 ही रहेगा, एंड कोस एक्स एज इट इज प्लस एन सी वन। नेक्स्ट आपके पास यू एन माइनस वन यानी ई रेज टू पावर एक्स का एन माइनस वन डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, एंड कोस एक्स का आप करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे, डी ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2। ये डेरिवेशन में भी आप कर चुके हो, मैंने इसके डेरिवेशन में स्टार्टिंग में करवा था जहाँ पे हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। साइन को आप लिखोगे माइनस साइन को कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, बिकॉज इसको हम सॉल्व करते हैं तो पाई बाय 2 प्लस एक्स इज अ सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो वैल्यू देगा माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगी कॉस की ही टर्म में, और कॉस की टर्म में क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें वी वन लिखना है ना, तो ये वी फंक्शन चल रहा है तो इसको आप लिखोगे कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, समझ गए। क्योंकि इसका डेरिवेटिव फर्स्ट करोगे तो माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन को हम लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2। नेक्स्ट टर्म आती है एन सी टू ई रेज टू पावर एक्स का एन माइनस टू एक्स डेरिवेटिव यही रहेगा, एंड कॉस एक्स का सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही आ रहा है
अब सेकंड डेरिवेटिव निकालिए इसका, डी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा से डेरिवेशन कर देते हैं, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू, एंगल हमारा चल रहा है एक्स प्लस पाई बाई टू। ओके, इसको फिर से कॉस की टर्म में कन्वर्ट करिए, माइनस साइन को आप फिर से लिखोगे कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस कंप्लीट एंगल एक्स प्लस पाई बाय टू, यानी पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू को आप लिखोगे कॉस ऑफ एक्स प्लस टू पाई बाय टू, और यहाँ पे टू को कैंसिल नहीं करना एज इट इज़ क्योंकि सिमेट्रिक बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज कॉस ऑफ एक्स प्लस टू पाई बाय टू। ठीक है, एंड प्लस ऑफ टू सॉन एन डेरिवेटिव निकालिए, सॉन एन सी एन यू एज इट इज़ यू इज अ ई रेज टू पावर एक्स एंड वी का एन डेरिवेटिव। अब आप इसका डेरिवेटिव देखेंगे, ये एज इट इज़ था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने सेकेंड डेरिवेटिव किया, फर्स्ट में आ रहा है वन इंटू पाई बाय टू, सेकेंड में आ रहा है एक्स प्लस टू इंटू पाई बाय टू, एनथ में आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एन इंटू पाई बाय टू। ठीक है, ये आ जाती है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स का। अब हम करते हैं सेकेंड फैक्टर का, इसका डेरिवेटिव कीजिए, माइनस ऑफ वन बाय टू हमने कॉमन ले रखा है बाहर, दिस इज माइनस, ये हमारा फिर से वही यू एंड वी। ठीक है, एन सी जीरो ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, सॉरी एन डेरिवेटिव यही रहेगा, और कॉस थ्री एक्स एज इट इज, वी हमारा एज इट इज है कॉस थ्री एक्स, प्लस एन सी वन ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज एंड माइनस वन एन डेरिवेटिव, और इसका आप करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे फिर से वही आएगा जैसे आप कॉस ऑफ थ्री एक्स का करते हैं, कॉस ऑफ थ्री एक्स थ्री इंटू साइन थ्री एक्स। ओके, और माइनस साइन थ्री एक्स को आप लिखोगे थ्री एक्स प्लस पाई बाय टू, और थ्री कॉन्स्टेंट बाहर चल रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया थ्री इंटू कॉस ऑफ थ्री इंटू कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस पाई बाय टू। ठीक है, प्लस एन सी टू ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन को फिर से पाई बाय टू से चेंज करेंगे, देन थ्री एक्स, यहाँ पे थ्री वन टाइम, दोबारा से एंगल का थ्री आएगा, इसको आप लिख आगे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टू पाई बाय टू इंटू थ्री स्क्वायर, थ्री पहले से था, फिर से डेरिवेटिव के एंगल का डेरिवेटिव करेंगे थ्री यहाँ से आएगा, देन यहाँ से आ जाएगा थ्री स्क्वायर, प्लस अप टू सॉन एन सी एन ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एन पाई बाय टू इंटू थ्री रेज टू पावर एन आ जाएगा। ठीक है, और जो ग्रेटर ब्रैकेट डी ब्रैकेट है उसको हम कर देंगे बंद, यहाँ से आप माइनस जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन आउट कर लीजिए, हाफ ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, पूरे में से ही कॉमन आ रहा है, तो पूरे में से आप ले लीजिए ई रेज टू पावर एक्स बाय टू, यहाँ पे आ जाएगा एन सी जीरो इज़ अ वन कॉस एक्स प्लस, इसको सॉल्व करो तो करिए, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि एन सी वन को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और सॉल्व करते हैं तो एन आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू, प्लस एन सी टू ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ चुका है कॉस ऑफ एक्स प्लस टू पाई बाय टू, प्लस अप टू सॉन एन सी एन ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ चुका है कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाय टू। ठीक है, एंड माइनस की जो टर्म आएंगी, माइनस ऑफ एन सी जीरो वन ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले लिया हमने कॉस ऑफ, यहाँ पे एन सी जीरो लिखो तो लिख भी सकते हो क्योंकि सारे चल रहे हैं हमारे पास, कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस एन सी वन थ्री इंटू कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस पाई बाय टू, प्लस थ्री स्क्वायर इंटू एन सी टू कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस टू पाई बाय टू, प्लस अप टू सॉन थ्री रेज टू पावर एन एन सी एन कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस एन पाई बाय टू। इस तरह से आपको कर रहे हैं एनर डेरिवेटिव। क्वेश्चन फर्स्ट का नाइन्थ पार्ट देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो नाइन्थ पार्ट है, टेंथ एंड इलेवेंथ तीनों बिल्कुल एज इट इज़ करने हैं सेम मेथड से, तो मैं आपको एक करवा देती हूँ, दो आप खुद ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स,
तीन फंक्शन दे दिए हमें मल्टीप्लिकेशन में, और हमें इसका चाहिए nth डेरिवेटिव. फाइंड nth डेरिवेटिव. ठीक है, nth डेरिवेटिव हमें चाहिए. तो यहाँ पे एक u फंक्शन एंड एक v फंक्शन. हमें पता है कि दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का nth डेरिवेटिव लेबनीज थ्योरम से निकाल सकते हैं. तो इसको हम v ले लेते हैं एंड दिस कंप्लीट इज u. ओके, तो लेबनीज थ्योरम क्या थी? u v n, n c 0 u n v एज इट इज, n c 1 u n माइनस 1 v 1, n c 2 u n minus 2 v 2 plus up to so on and c n u v n. ठीक है, here is u is u e raised to power x cos x. यहाँ पे हम ले लेते हैं u is e raised to power x into cos x, और v ले लेते हैं x square. फर्स्ट स्टेप जो है वो u का nth डेरिवेटिव, मीन्स हमें इसका nth डेरिवेटिव चाहिए. और इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप इसको निकालने बैठ जाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर आप nth डेरिवेटिव निकालोगे. तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका e का जो मल्टीपल होता है पावर में x का मल्टीपल, सॉरी e रेस्ट टू पावर x है, x का मल्टीपल हम लेंगे 1, एंड यहाँ पे आप कॉस में एंगल में x का मल्टीपल यहाँ पे भी 1 है. ठीक है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, एन एफ डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी. तो हम सिर्फ x के जो मल्टीपल होते हैं वो मैटर करते हैं फॉर्मूले में, एडिशन वाली टर्म मैटर नहीं करती. देन ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर एन बाय टू ई रेज टू पावर एफ ए एक्स एज इट इज कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी एन इंटू टेन इनवर्स बी बाय ए. देन इसको आप कंपेयर कीजिए यहाँ से, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 एंड बी इज ऑल्सो 1, देन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रेज टू पावर एन बाय टू ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज एंड कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, यानी कंप्लीट एंगल हमारे पास x है, प्लस n इंटू टेन इनवर्स बी बाई ए, बी मतलब 1 एंड a इज ऑल्सो 1. देन ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज अ 2, 2 रेज टू पावर n बाय टू e रेज टू पावर x कॉस ऑफ x प्लस n इंटू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स होगा यहाँ पे, टेन इनवर्स 1 बाई 1, यानी कि टेन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे. और टेन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 4. 45 पे टेन जो हो 1 वैल्यू देता है. तो ये आ जाएगा हमारा एन एफ डेरीवेटिव. फिर हमें चाहिए यू एन माइनस 1, यू एन माइनस 1 एफ डेरीवेटिव. देन जहाँ जहाँ पे भी n है, दिस इज n बाय 2 है यहाँ पे, जहाँ पे भी आपके पास n है वहाँ पे n माइनस 1 कर देंगे. ठीक है, देन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बाय 2 e रेज टू पावर x एज इट इज कॉस ऑफ x प्लस n माइनस 1 इंटू पाई बाय 4. ठीक है, u n माइनस 2 अगर निकालते हैं, 2 रेज टू पावर n माइनस 2 बाय 2 e रेज टू पावर x कॉस ऑफ x प्लस n माइनस 2 इंटू पाई बाय 4. ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास n का डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x cos x. अब हमें चाहिए v, v हमारा है x स्क्वायर. फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए, यहाँ पे v एज इट इज, फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए. देन v1 इज 2x, v2 इज 2, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड v3 इज 0. तो हम जो फॉर्मूला है वो सिर्फ v2 तक ही अप्लाई करेंगे बिकॉज नेक्स्ट टर्म आर जीरोस बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ v3 इज 0. ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इंटू, आप ये भी ध्यान रखिए u इंटू v लेते हैं ना, तो u को आप पहले लिखिए e रेज टू पावर x cos x, ये हमने u लिया है, इंटू x स्क्वायर ये हमने v लिया है, n c 0, nth डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी कि 2 रेज टू पावर n बाय 2 e रेज टू पावर x cos ऑफ x प्लस n इंटू पाई बाय 4 इंटू वी एज इट इज, वी इज एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 1
नेक्स्ट टर्म है यू एन माइनस वन, और यू एन माइनस वन की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, टू रेज टू पावर एन माइनस वन बाय टू ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू पाई बाय फोर, ठीक है, इंटू टू एक्स यानी कि वी वन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाएगा एन सी टू एंड यू एन माइनस टू, नेक्स्ट टर्म में थर्ड टर्म, थर्ड टर्म तक ही लेना है आपको, यू एन माइनस टू इज टू रेज टू पावर एन माइनस टू बाय टू ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस टू इंटू पाई बाय फोर एंड मल्टीप्लाई बाय टू यानी कि वी टू, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा बहुत सॉल्व आउट कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर, बाकी तो यही रहेगा, एन सी वन, एन सी जीरो होता है वन, एन सी वन के प्लेस पे रखोगे एन, ठीक है, और एन सी टू होता है एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, यहाँ पे टू की पावर है एन माइनस टू बाय टू, यहाँ पे टू की पावर वन है, आप इनको ऐड करेंगे तो एन माइनस टू बाय टू प्लस वन, पावर पावर ऐड हो जाएगी, सिर्फ यही कैलकुलेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे, और बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से आपको करना है, सेम टू सेम वहाँ पे आप टेंथ पार्ट दे रखा है, वहाँ पे शायद ई रेज टू पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स इस तरह से दे रखा है, करना एज इट इज ही है, एंड इलेवंथ पार्ट उसका आप खुद ट्राई कीजिए। ई रेज टू पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे आ जाएगा एन, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू अंदर जो टर्म आ रही है ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू, ये टर्म बच जाएगी हमारे पास, ये हमने कॉमन ले लिया। ओके, ऐसे यहाँ से ये ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ गया है और बाय टू किया था हमने, देन टू मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एन इंटू एन माइनस टू, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, एंड यहाँ से आ जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस टू मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ चुका है, ठीक है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, और ये हमारी राइट हैंड साइड चल रही है, इक्वल आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड अनदर डेरिवेटिव, अनदर डेरिवेटिव हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और ये टर्म आपके पास दे रखी है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें, इसको मैं वाई टू लिख सकती हूँ, माइनस एक्स इंटू दिस इज वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव एंड ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अब हमें यहाँ पे अनदर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए दो टर्म की मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स वी अप्लाई द लेबनीज रूल, तो यहाँ पे लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे, दिस इज वी एंड दिस इज यू, वी आपको वो टर्म लेनी है जिसका डेरिवेटिव वैनिश यानी कि जीरो हो जाए, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे बाय लेबनीज थ्योरम, फर्स्ट क्या होता है एम सी जीरो यू एन यानी कि वाई टू का एनर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे समझिए आप कि वाई टू का एनर डेरिवेटिव क्या आता है, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं वाई वन आता है, वाई वन का फर्स्ट यानी कि मैं अगर वाई टू वाई का सेकेंड डेरिवेटिव निकालती हूँ वाई टू, यानी कि वाई वन का हम डेरिवेटिव करेंगे वाई टू आएगा, डेरिवेटिव में एक ऐड कर दिया हमने, थर्ड निकालेंगे तो सेकेंड का ही करते हैं हम, तब हमारे पास थर्ड आता है, समझ गए। अब यहाँ पे वाई टू दे रखा है और मुझे इसका nth डेरिवेटिव करना है, तो वो बनेगा वाई एन प्लस टू, अंडरस्टैंड, nth डेरिवेटिव करेंगे तो टू में ऐड हो जाएगा, ना कि कोई कई बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि वाई टू एन लिख देते हैं जो कि गलत होगा। ओके, वाई एन प्लस टू इंटू वी एज इट इज रखना है आपको यहाँ पे, एंड नेक्स्ट आ जाएगा प्लस एन सी वन, जो यू होता है आपके पास उसका एन माइनस वन है डेरिवेटिव, एन माइनस वन है तो मतलब वाई टू का एन माइनस वन करेंगे, वाई टू प्लस एन माइनस वन, वाई टू में से वन वन एन प्लस वन, ठीक है, तो इसका एन माइनस वाई टू का एन माइनस वन डेरिवेटिव आ जाएगा वाई एन प्लस वन। ओके, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, यानी इसी का डेरिवेटिव करते चलेंगे, माइनस टू एक्स प्लस एन सी टू वाई टू का nth एन माइनस टू एथ, नेक्स्ट होता है वाई यू एन माइनस टू, यानी कि वाई टू का एन माइनस टू एथ डेरिवेटिव करेंगे, ऐड करेंगे, टू से टू कैंसिल, देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वाई एन
एन बचा यहाँ पे फिक्स, एंड इसका डेरिवेटिव करते हैं माइनस टू. अंडरस्टैंड, ये सिर्फ कैलकुलेशन की हमने दिस टर्म. ओके, फर्स्ट टर्म पे लैबनिज थ्योरम अप्लाई कर दी और एन एन डेरिवेटिव हमने यहाँ से निकाल लिया क्योंकि हमें डायरेक्ट एन एन डेरिवेटिव चाहिए इसका. एंड इससे नेक्स्ट जब आप करेंगे तो माइनस टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, जो कि हम नहीं करेंगे. इसके बाद आते हैं इन दोनों टर्म्स का. यहाँ पे हम वी लेंगे एक्स को एंड यू लेंगे वाई वन को. ओके, देन एन सी जीरो फिर से अप्लाई कर दीजिए लैबनिज थ्योरम. एन सी जीरो यू एन, यू एन मीन्स एन प्लस वन, वन ऐड कर देंगे एन में. एंड वी एज इट इज प्लस एन सी वन वाई. हम नेक्स्ट होता है एन माइनस वन. अगर आप एन माइनस वन करेंगे तो वन प्लस एन माइनस वन वन कैंसिल हो जाएगा, वाई एन बचेगा और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन. एंड नेक्स्ट टर्म इससे करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा. एंड प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई का एन एथ इज वाई एन और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जीरो चल रहा है. अंडरस्टैंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब वाई एन जीरो सॉरी एन सी जीरो वन वाई एन प्लस टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. एन सी वन इज एन और माइनस टू एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन. ओके, एंड माइनस टू, ये टू आपके पास माइनस टू इधर ले आए हम. एन सी टू होता है एन इंटू एन माइनस वन बाय टू वाई एन. यहाँ पे इसको ओपन करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ एन सी जीरो इज वन वाई एन प्लस वन एक्स इंटू वाई एन प्लस वन है बच गया यहाँ से. और एन सी वन होता है एन एन इंटू वाई एन, ये माइनस का रहेगा बिकॉज बाहर माइनस है और ये प्लस की टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू ज़ीरो. जो सेम सेम टर्म है, जैसे कि ये हो गया वाई एन प्लस वन हो गया, वाई एन तीन टर्म है आपके पास, तीनों को सॉल्व करते हैं यानी कॉमन निकाल लेते हैं. ये आ जाएगा वाई एन प्लस टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड एन प्लस वन यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ जाएगा टू एन प्लस वन और वाई एन प्लस वन भी कॉमन आ जाएगा. ओके, एंड इन तीनों टर्म्स में से देखिए टू से टू कैंसिल करिए यहाँ से, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं और सॉल्व कीजिए इसको एन स्क्वायर माइनस एन, इसका माइनस कॉमन आ चुका है, यहाँ पे बच गया प्लस एन. यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस की टर्म है और वाई एन आ जाएगा कॉमन. ठीक है, एन से एन कैंसिल, देन योर आंसर इज वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस एक्स इंटू टू एन प्लस वन. गलत कर दिया क्या हमने, एक्स कॉमन आएगा ना, हाँ ठीक है, वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू ज़ीरो. ये आ जाएगा एन एट डेरिवेटिव ऑफ दिस एज इट इज. आपको यहाँ पे करना है एक्स स्क्वायर इंटू दिस वाई टू, इसको हम वी लेंगे, इसको यू लेंगे, यहाँ पे इसको वी एंड इसको यू. अप्लाई कीजिए डिफ्रेंशिएट एन एनथ या एन टाइम्स लिख लीजिए, देन एन सी जीरो इज वन होता है, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं वाई एन प्लस टू, इसका अंदर डेरिवेटिव करेंगे वी एज इट इज. एन सी वन वाई एन प्लस वन वाई टू का एन प्लस एन माइनस वन डेरिवेटिव करेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स. एन सी टू वाई एन यानी कि इसका एन माइनस टू एच करेंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और आगे आ जाएगा टू और इसके बाद की टर्म्स जीरो. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यू एन एथ डेरिवेटिव एन प्लस वन वी एज इट इज प्लस एन सी वन वाई एन इंटू एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट. एन कैसे आया यहाँ पे, वाई एन क्योंकि इसका हम करेंगे एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव नेक्स्ट टर्म में, वन से वन कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद करेंगे वाई का एन एथ वाई एन. अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू फर्स्ट टर्म. एन सी वन इज एन, ये आ जाएगा टू एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस दिस इज एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू टू इंटू वाई एन, टू से टू कैंसिल कर देंगे यहाँ से एंड
x into yn plus 1 plus n into yn plus yn equal to 0. X square yn plus 2 plus n plus 1 की टर्म देखिए यहाँ से, ये टर्म एंड ये टर्म, x भी कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, 2n plus 1 रह जाएगा और yn plus 1 भी कॉमन आ रहा है. n की टर्म यहाँ पे है 3, n square minus n, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, plus n plus 1 into yn equal to 0, n से n cancel, यहाँ से बच जाएगा n square minus 1, then these are the other derivatives. Question 4th is, if y equal to x raised to power n log of x, show that y n plus 1 equal to n factorial divided by x. Yani hume iska nikalna hai nth derivative ka, yani n plus 1th, means n plus 1 term agar puchi gayi hai, to aap iska first derivative nikal ke nth derivative nikal denge, to ye aa jayega y n plus 1. Theek hai, then hum sabse pehle first derivative nikalte hain, differentiate with respect to x. This is y1. यहाँ पे u into v अप्लाई हो जाएगा, देन x raised to power n as it is, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x, प्लस x raised to power n का करते हो तो n into x raised to power n minus 1 एंड log of x as it is. ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको. y1 इज x raised to power, यहाँ पे देखिए कि जो आपके पास डिवीजन की टर्म यहाँ पे x डिवाइड में चल रहा है, एंड यहाँ पे भी x को आप इस टर्म को मैं कर देती हूँ कंप्लीट, x से मल्टीप्लाई एंड x से डिवाइड. ओके, दोनों टर्म्स में डिवाइड में x आ रहा है, तो आप इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए y1 के साथ. यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू पावर n प्लस एंड यहाँ पे x पावर 1 एंड x रेज टू पावर n माइनस 1, n इंटू x रेज टू पावर n इंटू log ऑफ x. ठीक है, एंड इसको हम देखेंगे तो x raised to power n log of x किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू. यहाँ पे आप पुट कर सकते हो y, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, देन x y1 इक्वल टू x raised to power n प्लस n into y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ से वैल्यू रख देंगे x raised to power n log of x की. ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे डिफ्रेंशिएट nth टाइम, यानी nth ऑर्डर का हमें चाहिए n प्लस 1, y1 हमें मिल गया, डिफ्रेंशिएट n टाइम्स with respect to x. This is x into y1. दो नंबर की मल्टीप्लाई है. अभी हम इतने सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लेबनीज़ थ्योरम. दिस इज v एंड दिस इज u. n से जीरो इज अ वन, u का डेरिवेटिव nth मीन्स n प्लस 1 हो जाएगा, और v एज इट इज मीन्स x एज इट इज, प्लस n से 1 जो u है आपके पास इसका डेरिवेटिव n माइनस 1th, तो n माइनस 1th करेंगे, n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, yn बच जाएगा और n का रह जाएगा डेरिवेटिव 1. इससे नेक्स्ट अगर आप करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव 0 होता है. राइट हैंड साइड पे देखिए x रेज टू पावर n, अगर आप इसका n डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, जो पावर होती है उतना ही फैक्टोरियल हो जाता है, n फैक्टोरियल, प्लस n इज अ कॉन्स्टेंट और y का हो जाएगा yn. ओके, सॉल्व करते हैं, x इंटू वाई एन प्लस 1, एन सी 1 इज n इंटू वाई एन इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस n इंटू वाई एन, n इंटू वाई एन इज अ कैंसिल, एंड वाई एन प्लस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, देन ये हो जाएगा डिवाइड, और यही आपको प्रूव करना था. क्वेश्चन 5th देखिए, इफ y इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ लॉग x प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग x, तो आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो. तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, अगर किसी बच्चे ने सेकेंड एक्सरसाइज कर रखी है तो एज इट इज़ वही निकालना है जो आपने सेकेंड एक्सरसाइज में किया था. तो सबसे पहले तो आप वाई वन फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे बार बार मैं लिखूंगी नहीं, वाई वन मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हो. ठीक है, इसका आ जाएगा माइनस ए साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू एंगल का करेंगे देन वन बाय एक्स, एंड प्लस बी इंटू cos of log of x into 1 by x. ओके, y1 x जो है आप इधर ले आइए,
ये जो दोनों में कॉमन आ जाएगा 1/x, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से टर्म आती है माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ u इंटू वी अप्लाई हो जाएगा, x एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव y2 एंड x का डेरिवेटिव 1 y1 एज इट इज़ इक्वल टू, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस ए साइन का हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स का करते हैं 1/x, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x। यहाँ से फिर से 1/x कॉमन आ रहा है, और कॉमन ला के आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एंड यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, दिस इज ए कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये वैल्यू बनती है आपकी वाई की। ठीक है, जैसे आप राइट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे हर किसी क्वेश्चन में, तो ये वाई की वैल्यू बननी चाहिए, चाहे कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड जैसे भी करके। देन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, ये पूरा कंप्लीट वाई हो जाएगा, और इसको आप ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्लस का हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, अब इसी से प्रोसीड करके इसी को हम सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं। सेकंड में देखिए आपको चाहिए वाई एन प्लस टू, मीन्स सेकंड डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करके आगे करेंगे nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे nth डेरिवेटिव बाय लेबनीज थ्योरम, क्योंकि दो दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, दिस इज u एंड दिस इज v। फर्स्ट u का डेरिवेटिव nth करेंगे तो वाई एन प्लस टू एंड v एज इट इज प्लस एन सी वन, एन माइनस वन डेरिवेटिव करेंगे तो एन प्लस वन, और इसका हो जाएगा 2x प्लस एन सी टू, वाई का एन माइनस टू डेरिवेटिव वाई एन, और इसका आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आती है सेकेंड टर्म की, जो है आप सेकेंड टर्म सॉल्व करेंगे, इससे आगे अगर आप करते हैं वो जीरो बन जाएगा। यहाँ पे दिस इज़ वी एंड दिस इज़ यू, ये वाई वन था यहाँ पे, एक्स वाई वन वाई वन। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, देन वाई एन प्लस वन एक्स एज इट इज़ प्लस एन सी वन वाई एन एक्स का डेरिवेटिव 1, और वाई एन का y का हो जाएगा वाई एन इक्वल टू 0। दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू प्लस एन इंटू टू एन एक्स, ये हम पीछे कर भी चुके हैं एज इट इज़ क्वेश्चन, टू एन इंटू एक्स, एन पहले ले लेते हैं कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे n आएगा वाई एन प्लस टू सॉरी 1, एंड ये आएगा n इंटू एन माइनस वन बाय टू, और एक टू यहाँ से है ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी एन इंटू वाई एन एंड प्लस वाई एन इक्वल टू 0। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वाई एन प्लस वन यहाँ पे है और वाई एन प्लस वन यहाँ पे है, टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालिए, एक्स कॉमन आ रहा है वाई एन प्लस वन, टू एन प्लस वन आ जाएगा, एंड वाई एन की टर्म थ्री टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, एन से एन कैंसिल आउट एंड एन स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था, इसको सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आएगी। क्वेश्चन सिक्स इज वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, प्रूव दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स वाई वन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करना पड़ेगा वाई वन एंड वाई टू, यहाँ पे यानी फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, वाई वन इज टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेथड है जो आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए या आप कह लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, और ये प्रोसीजर हर क्वेश्चन में अडॉप्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन में करेंगे, जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं यहीं से अगर टर्म बचती है तो राइट हैंड साइड पे वाई बनता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड टाइम यू इंटू वी, यानी कि प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर हम एन टाइम करते हैं तो हम इसको लेबनीज रूल से करते हैं। ओके, यहाँ से करिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई वन का डेरिवेटिव इज़ वाई टू प्लस
अब वन प्लस एक्स स्क्वायर का करिए 2x एंड वाई वन एज इट इज, और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो. वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x वाई वन इक्वल टू ज़ीरो. फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव हमारा. अब जो ये इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है. अब जो सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि वाई एन प्लस वन चाहिए हमें, यानी कि जब मैं वाई वन का डेरिवेटिव एन एफ टाइम करती हूँ तब हमें वाई एन प्लस वन मिलेगा. अंडरस्टैंड, वाई वन का डेरिवेटिव जब एन टाइम करेंगे तो इसको हम लिखते हैं वाई एन प्लस वन, बिकॉज ये ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते. कहीं आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. यहाँ पे करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट एन टाइम्स, एन टाइम करेंगे मीन्स हम इसका एन डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है. और इसको हम लेके चलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब यहाँ पे आपको लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी. लेबनीज के लिए हम वी वो टर्म लेते हैं जो डेरिवेटिव करते करते जीरो बन जाता है, जैसे कि वन प्लस एक्स स्क्वायर. जैसे आप डेरिवेटिव करते जाएंगे ये थर्ड डेरिवेटिव का जीरो आ जाएगा, ठीक है. तो ये हमारा वी हो जाएगा और ये यू हो जाएगा. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लेबनीज का, क्या होता है एन सी ज़ीरो u यानी कि y1 का nth डेरिवेटिव इंटू वी एज इट इज़ वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज. ओके, नेक्स्ट हम आती है एन सी वन वाई वन का n माइनस वनथ डेरिवेटिव, और v का डेरिवेटिव हो जाता है v1 मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है. प्लस एन सी टू, जब तक करते जाएंगे जब तक या तो ये हमारा ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो नहीं होगा तो हम nth तक करना पड़ेगा, ठीक है. वाई वन का डेरिवेटिव एन माइनस टू टाइम्स, एन माइनस वन कर चुके हैं, वाई वन का डेरिवेटिव एन माइनस टू टाइम, और वाई टू मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स, एक्स का वन. अब जैसे आप नेक्स्ट टर्म लेते हैं तो टू का डेरिवेटिव करेंगे वो जीरो आ जाएगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं, यहाँ तक ही लेंगे, ठीक है. दिस इज इक्वल टू एम सी जीरो इज़ वन एंड वाई वन प्लस वन का एन एन डेरिवेटिव, अभी हमने क्या बताया एन प्लस वन लिखना है, तो यहाँ से आ जाएगा वाई एन प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर. एन सी वन होता है एन एंड वाई वन का एन माइनस वन डेरिवेटिव फिक्स को ऐड कर देंगे वन प्लस एन माइनस वन से वन कैंसिल, वाई एन बच जाएगा. तो ये आ जाएगा वाई एन इंटू टू एक्स, टू को आप इधर लिख लीजिए, प्लस दिस इज एन इंटू एन माइनस वन बाय टू वाई वन का एन माइनस टू एक्स डेरिवेटिव फिक्स को ऐड करेंगे वन प्लस एन माइनस टू, क्या बनेगा ये वाई एन माइनस वन, ये आ जाएगा. तो ये आ जाएगा वाई एन माइनस वन इंटू टू, टू से टू कैंसिल, इक्वल टू चल रहा था हमारे पास राइट हैंड साइड पे वन था ना, इधर करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस वन प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस एन इंटू, जो प्रूव करना है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन निकालते जाएंगे. जितना अगर आपको एन प्लस टू पूछ रखा होता तो हम इसका एन डेरिवेटिव कर देते, अगर एन प्लस वन ले रखा है तो हम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि वाई वन का ही एन डेरिवेटिव कर देंगे. क्वेश्चन एट्थ, इससे पहले जो क्वेश्चन सेवन्थ है एज इट इज़ क्वेश्चन सिक्स की तरह करना है. सिक्स्थ में जो आपको आपके पास टेन इनवर्स था और सेवन्थ क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो वहाँ पे आपको ऐसे कैसा करना है जैसे हमने सिक्स क्वेश्चन किया है. और एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ सेम मेथड से होंगे बिकॉज ये सिमिलर से ही दे रखे हैं. नेक्स्ट में जैसे ई रेज़ टू पावर एम टेन इनवर्स एक्स दे देगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, आप इसको समझ लीजिए. नेक्स्ट अपने आप कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली. फर्स्ट यहाँ पे आपको प्रूव करना है वाई टू वाई वन. तो जैसे अगर मान लो ये पार्ट आपसे ना पूछा जाए, डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप ये फंक्शन दे रखा है और आप ये प्रूव कीजिए, तो आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा बिकॉज हमें वाई एन प्लस टू चाहिए, इसके लिए वाई टू तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. यानी इस स्टेप तक तो एज इट इज़ करना ही करना पड़ेगा. तो इसको भी करने का मेथड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि करना कैसे है. सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x, e एक बार एज इट इज आता है, फिर हम इसकी पावर का करते हैं m इंटू साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. इसके बाद मैंने बताया था आपको या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं या फिर इसका एलसीएम ले सकते हैं, दोनों चीज़ सेम है.
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू ई रेज टू पावर, यहाँ पे रह जाएगा एम साइन इनवर्स एक्स इंटू एम इज अ कॉन्स्टेंट। ओके, इसके बाद अगर अंडर रूट है, जैसे कि यहाँ पे हमें अंडर रूट मिल गया, अगर टेन इनवर्स होता तो यहाँ पे हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे टेन इनवर्स का होता है डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर अंडर रूट आ जाता है तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और ये प्रोसीजर हर क्वेश्चन के लिए आपको ट्राई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक में लग गया दो में लग गया, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू पावर एम साइन इनवर्स, आप इसको क्या रख सकते हो, यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू है आपके पास वाई की, वाई इंटू एम, तो इसको हम रखेंगे एम इंटू वाई। हर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे या तो कॉन्स्टेंट रहेगा या वाई वन करते ही जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू वाई की बनेगी हर किसी क्वेश्चन में। ठीक है, या जैसे अब हमने सिक्स क्वेश्चन किया था वहाँ पे तो कॉन्स्टेंट रह गया था तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो जाता है, और यहाँ पे अगर कांस्टेंट नहीं बचता है तो पीछे जो वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड पे वो हमेशा वाई की बनेगी, नहीं बनती है तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनानी पड़ती है। इसको हम लिख लेते हैं सीधा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, देन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यू इंटू वी मैथड से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई वन स्क्वायर का करेंगे तो टू पावर आगे वाई वन और वाई वन का हो जाएगा वाई टू, एंड जब मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो 2x और y1 वन स्क्वायर एज इट इज, एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा m स्क्वायर इंटू टू पावर y इंटू वाई का हो जाएगा y1, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, 2y1 वन टू इंटू वाई वन टू इंटू वाई वन कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा y2 टू माइनस टू एक्स एक सॉरी टू तो कैंसिल ही कर दिया हमने, एक्स वाई वन एक पावर जो वाई वन था कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे राइट हैंड साइड से, और इसको आप लेफ्ट पे ला सकते हो, माइनस ऑफ टू कैंसिल वाई वन कैंसिल एम स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो, अंडरस्टैंड। अब जो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट प्रूव, आप इसको राइट पे रखेंगे तो इक्वल टू एम स्क्वायर वाई रह जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए y2 के बाद आपको nth डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बाय लेबनीज थ्योरम, डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। ओके, यहाँ पे ये फैक्टर हमारा v हो जाएगा एंड दिस इज u, y2 को u लेके चलेंगे, देन n से 0 1 होता है, y2 का n डेरिवेटिव और v एज इट इज प्लस एन सी वन वाई टू यानी कि यू का एन माइनस वन ऑफ डेरिवेटिव और वी का हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, एंड प्लस एन सी टू वाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा एन माइनस टू इंटू माइनस टू टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस टू आ जाएगा, जब तक करते जाइए जब तक जीरो नहीं आता, नेक्स्ट डेरिवेटिव इसका जीरो आ जाएगा, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टर्म पर आइए, माइनस है माइनस एक्स इंटू वाई वन, दिस इज वी दिस इज यू, देन वाई वन का एनर डेरिवेटिव जो ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि माइनस बाहर रहे यहाँ पे, और एक्स एज इट इज। ठीक है, एंड वाई प्लस ऑफ एन सी वन वाई वन का एन माइनस वन डेरिवेटिव और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, इसके बाद की टर्म जीरो और यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर वाई का एन एस डेरिवेटिव वाई एन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इज यहाँ से सॉल्व करेंगे, देन y2 टू एंड डेरीवेटिव यहाँ से आ जाएगा y n प्लस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, एन सी वन इज n, y2 टू एन माइनस वन ऐड करेंगे इसको y n प्लस वन माइनस टू एक्स, यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए माइनस टू एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस टू दिस इज माइनस n इंटू एन माइनस वन बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट, देन यहाँ पर आ जाएगा एन इन टू एन माइनस वन, वाई टू का एन माइनस टू का डेरिवेटिव मीन्स आप ऐड करेंगे यहाँ से आ जाएगा वाई एन। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट माइनस ओपन करेंगे यहाँ पे, ये भी माइनस टर्म ये भी माइनस की टर्म आ जाएगी, देन दिस इज वाई एन प्लस वन इन टू एक्स प्लस एन इन टू वाई वन एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल, ये आ जाएगा वाई
एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस वन, दिस इज एन माइनस वाई एन प्लस वन टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म कॉमन निकालेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, देन टू एन प्लस वन वाई एन प्लस वन। ठीक है, एंड वाई एन वाले में से देखिए यहाँ से वाई एन एंड दिस वाई एन, ये फिर से यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे आएगा माइनस, बिकॉज माइनस की दोनों टर्म जो है माइनस की रहेंगी, एंड यहाँ आ जाएगा माइनस वाई एन कॉमन लेंगे, वाई एन एंड वाई एन, यहाँ से माइनस कॉमन, एन स्क्वायर माइनस एन मल्टीप्लाई ओपन किया हमने, देन प्लस एन यहाँ से प्लस एम स्क्वायर यहाँ से प्लस एम स्क्वायर और वाई एन कॉमन, एन से एन कैंसिल, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस एक्स इंटू यहाँ पर ऐसे लीजिए टू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। आपको सेकेंड पार्ट में जो यही प्रूव करना था, माइनस टू एन प्लस वन एक्स इंटू वाई एन प्लस वन एंड माइनस ऑफ दिस। ये आपके आठ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवाए हैं, नाइन्थ और टेंथ में इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने आठवां क्वेश्चन किया है। तो आप इनको ट्राई कीजिए एंड को मेहनत करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।